हे भव्या, तुम जीव हो, शरीर अजीव है। हे मुनिराज, यह जीव वस्तु है, यह अजीव वस्तु है, इस तरह वस्तु की पहचान कैसे करें? वस्तु का स्वरूप चतुष्टय से निश्चित होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय। आज का इस वीडियो का विषय है चतुष्टय। एक दृष्टांत से समझेंगे। दृष्टांत है एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है कहने से इसका एग्जिस्टेंस सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि इसमें एग्जिस्ट होने का एक फीचर है जिसे अस्थि धर्म कहते हैं। और ये जो रेक्टेंगल है वो सर्कल नहीं है। क्या कहा? कि वो सर्कल नहीं है। ये सर्कल नहीं है ऐसा भी इस रेक्टेंगल का ही एक धर्म है। जैसे कि यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति की पहचान करनी है और आप पूछते हो क्या वे चश्मे वाले हैं, तो उत्तर मिलता है नहीं, वे चश्मे वाले नहीं हैं। अब वे चश्मे वाले नहीं, ये भी उस इंसान की ही पहचान है। इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है वह सर्कल नहीं है ऐसा ये रेक्टेंगल का ही एक फीचर है, एक धर्म है। ये हुए अस्ति और नास्ति धर्म, या अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म। उसी तरह ये एक वस्तु है इसलिए इसमें वस्तुत्व धर्म है। और ये आपके ज्ञान में ज्ञात भी हो रहा है इसलिए इसमें प्रमेयत्व धर्म है। अस्तित्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, वस्तुत्व, इस तरह अनेक धर्मात्मक एक रेक्टेंगल को देखना ये द्रव्य अपेक्षा से वस्तु का निश्चय किया कहेंगे। अब क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु को पहचाने। ये जो रेक्टेंगल है वो छोटे छोटे कई रेक्टेंगलों का समूह है। ये छोटे छोटे रेक्टेंगल ना हो तो वो बड़ा रेक्टेंगल भी कुछ है ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे एक एक रेक्टेंगल को यदि हम प्रदेश कहेंगे तो ये पहला प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश, इस तरह से अनेक प्रदेशात्मक ये एक रेक्टेंगल है। ये अनेक प्रदेशात्मक एक, ऐसा जो हम इस वस्तु को पहचानते हैं उसे क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु का निश्चय किया कहते हैं। अब हम काल अपेक्षा से वस्तु को समझेंगे। ये जो रेक्टेंगल है वो समय समय पर अलग अलग कलर रूप हो रहा है। यदि हम समय के भेद करके देखें तो पहले समय में ये रेक्टेंगल लाल, दूसरे समय में वो पीला, तीसरे समय में वो हरा रेक्टेंगल और चौथे समय में वो ब्लू रेक्टेंगल दिख रहा है। इस तरह समय के भेद करके यदि देखते हैं तो वो चार प्रकार का रेक्टेंगल दिखता है। किंतु यदि आप देखें एक कलर प्रवाह से वो एक ही रेक्टेंगल है जो एक ही प्रवाह से बदल रहा है। इस तरह से यदि उसे अनेक अवस्था में देखेंगे, अनेक पर्यायात्मक देखेंगे और अनेक पर्यायात्मक फिर भी एक ऐसा देखेंगे तो ये काल अपेक्षा से वस्तु को समझा। वस्तु में अनेक अवस्था भी है और अनेक अवस्था होते हुए भी एक प्रवाह से एक है, ये हुई काल अपेक्षा। अब भाव अपेक्षा से वस्तु देखते हैं। जिस तरह वहां भिन्न भिन्न कलर रूप होता था उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न टेक्सचर रूप हो रहा है। आप देखिए ये टेक्सचर बदल रहा है, कभी ये स्मूथ टेक्सचर है, कभी ये रफ टेक्सचर है, इस तरह भिन्न भिन्न टेक्सचर रूप हुआ है। पहले हमने उसे भिन्न भिन्न कलर रूप देखा था। ये जो भिन्न भिन्न कलर रूप हो रहा है उसका कारण है कि उसमें एक वर्ण नाम का गुण है। वो वर्ण गुण के कारण ये एक ही रेक्टेंगल भिन्न भिन्न अवस्था रूप व्यक्त होता है। उसी तरह स्पर्श गुण के कारण वो भिन्न भिन्न टेक्सचर रूप व्यक्त होता है। ऐसे इस पदार्थ में अनेक गुण हैं
और वो अनेक गुणात्मक ये एक पदार्थ, इस तरह से देखना उसे भाव अपेक्षा कहते हैं। तो हमने द्रव्य को द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा से समझा। अब हम स्व और पर का भेद ज्ञान चतुष्टय से कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल, वो तो स्व हुआ। अब इस रेक्टेंगल में ये एक सर्कल है, क्या आपको वो सर्कल दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो सर्कल इस रेक्टेंगल के ही आकाश प्रदेश में वही उसी स्थान पर है। अब उसे भिन्न कैसे जाने? तो कहते हैं देखो ये जो सर्कल है उसका प्रदेश और ये रेक्टेंगल का प्रदेश जब वो एक जगह पे होते हैं तभी भी भिन्न ही है। जो सर्कल है उसका प्रदेश सर्कल वाला है, अपना एरिया उसका स्वयं का है, और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया उसका स्वयं का है। उसी तरह उसका ब्लू पना है, उस सर्कल का ब्लू पना अपना है। रेक्टेंगल एक द्रव्य है, सर्कल एक द्रव्य है, उसका स्वयं का एक एरिया है, वैसे ही सर्कल का भी स्वयं का एक एरिया है। इस तरह दोनों का ब्लू रंग होने पर भी रेक्टेंगल का जो ब्लू रंग है वो उसकी पर्याय स्वयं की है, और सर्कल का जो ब्लू रंग है वो सर्कल की पर्याय स्वयं की है, और ये दोनों पर्याय अपने अपने वर्ण गुण के आधार से हुई है। इस तरह से ये रेक्टेंगल का स्वचतुष्टय और सर्कल का स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है। अब यही बात ये जीव और शरीर दोनों एक ही आकाश प्रदेश में होने से हमें एक क्षेत्र लगता है, किंतु वास्तव में जो जीव द्रव्य है उसका क्षेत्र उसका स्वयं का है, और जो शरीर जो कि पुद्गल द्रव्य है उसका क्षेत्र उसका स्वयं का है। उसी तरह जो जीव द्रव्य है उसकी काल अर्थात पर्याय वो आनंदमय, ज्ञानमय, दर्शनमय, शांतिमय आदि होती है, जबकि जो पुद्गल है उसके पर्याय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की व्यक्तता होती है, और वह उसके भाव होते हैं, और जीव के भाव ज्ञान, दर्शन आदि। उस तरह से जीव के गुण और शरीर के गुण, जीव का काल और शरीर का काल, जीव का क्षेत्र और शरीर का क्षेत्र, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इस तरह स्वचतुष्टय और परचतुष्टय की भिन्नता से हम वेद ज्ञान कर सकते हैं। आगे इस विषय को समझते समय हमारे ज्ञान में क्या गलतियां ना रहे उस सावधानियों को दर्शाता हुआ वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आभार।